elected member of North Kachar Hills Autonomous Council from Garampani constituency, Joy Singh Durang, joined the Bharatiya Janata Party at its district office at Haflong in August, presence of the Mahasau BJP district president, Don Painon Thousand, NC Hills Autonomous Council CM, Debolar Golosa, chairperson Randu Langthasa, and other dignitaries. Durong was elected as member of NC Hills Autonomous Council from the second most populous constituency, number 17 Garampani constituency from Congress Party in 2019. After remaining as opposition leader for 2.5 years, he joined the Saffron Party on Tuesday. While addressing media persons at Haflong, Durong said that he joined the Saffron Party as he could not bring development under Congress Party. He also said that he had witnessed a series of development in every sector in his constituency under leadership of NCHSE-led CM Debolal Golosa. He also further added that he will work hand-in-hand with the present council team to uplift people of his constituency and of the whole Dimahasau as well. Ablukne as many as Dimahasau BJP district committee mein as BJP mein samarthit ho. हाँ जरूर 2019 में 17 गौरमपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ये दिमासो का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कि डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूंसी है और दूसरा बात हो गया इंडस्ट्रियल एरिया रॉ मटेरियल रिचेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी इन द डिस्ट्रिक्ट गौरमपनी में है उसके बाद नेक्स्ट टू सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन और 60% व 70% रेवेन्यू काउंसिल का मेरा गौरमपनी से आता है तो 2019 में मुझे कांग्रेस पार्टी जो दिमासो की ओर से मुझे टिकट दिया और जीता भी पब्लिक लुक ने मुझे जनता लोग अच्छा लगा इसलिए मुझे जिताया तो आज 2.5 साल मैंने ओपोजिशन में बैठा हमारा एनसील ऑप्टनमास काउंसिल में कि ओपोजिशन के रूप में कांग्रेस पार्टी से तो आज इसलिए मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया स्पेशली 17 गौरमपनी कॉन्सिस कार्बी का मेजोरिटी है तो हम लोग माइनॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट में और उधर में सिर्फ कार्बी नहीं बोल के गुरखा दिमासा मार खासिया बंगाली बिहारी विभिन्न प्रकार का कम्युनिटी से उधर में और बहुत सा एरिया बड़ा है तो वही सबसे हम देखा है कि ये 2.5 साल जो ओपोजिशन में हम बैठा है तो कांग्रेस पार्टी से हम कुछ नहीं कर पाया कुछ कर नहीं सका और कुछ सफलता हमको करने नहीं सका तो इसीलिए आज सारा इंडिया में सारा आसाम में कार्बियांग और डिमासो में हम एक चीज़ देखा है कि एक एनालिसिस किया जैसा नेशनल में एक नरेंद्र मोदी का जो हम लोग प्रधानमंत्री उसका जो लीडरशिप है कि उसका डिसीशन उसका काम करने का जो तरीका नेशनल में एक चीज़ हमको कुछ परिवर्तन सा एक हिंदुस्तान को डेवलपमेंट में हम देखा है कि गवर्नमेंट के साथ गौरमपनी काउंसिल का एमएससीस आज ओपोजिशन में है तो इसलिए सच्ची बात पब्लिक का ग्रीवेंसेस हम गवर्नमेंट के साथ बताने नहीं सकता गवर्नमेंट के साथ हम लेके जाने नहीं सकता बस लेके जाने से भी ऐसे ओपोजिशन का रूप में गवर्नमेंट लोग के साथ में इतना मेरा जो ग्रीवेंसेस को इतना एक्सेप्ट नहीं करता तो आने वाला दिन में लैंड रिफॉर्म के बात हो डिप्लोमेटल के बात हो और टूरिज्म का जो गवर्नमेंट पब्लिक जो का सोच है ये सबको हम दिल खुल के गवर्नमेंट के साथ हम अप्रोच करने सकेगा तो वो पब्लिक का जरूरी चीज़ हम पब्लिक को लेके मैंने हम काम करने के लिए स्टेप लेंगे पब्लिक लोग भी खुशी है और पब्लिक लोग का प्रेशराइज पब्लिक लोग का जो रिक्वेस्ट है हम भी आस माना ये अपना पर्सनल के लिए हम आने वाला इलेक्शन के लिए टिकट मिलने लगेगा अपना गाड़ी के लिए अपना बंगला के लिए ये सोच में हमने ये निर्णय नहीं लिया हम फॉर द डेवलपमेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक गौरमपनी कॉन्सिस के लिए हम कांग्रेस छोड़ा है देखो मुझे उसका इंटेंशन क्या है मुझे मालूम नहीं है पर एक डिफरेंस है कि जैसा मेरा गौरमपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज है लेकिन हफलोंग का हेडक्वार्टर है कि पब्लिक का प्रेशर कितना तक होता नहीं होता तो वो हफलोंग एम ई सी साहब मालूम होगा लेकिन मुझे लगता है कि आज का दिन में देखो सब पढ़ाई लिखा अनएम्प्लॉय सेक्टर लोग बहुत है तो आफ्टर इलेक्टेड तो मैंने गवर्नमेंट के साथ समर्थित देना जरूरी है कि प्रिंसिपल आइडियोलॉजी बनता है मानता है पर प्रिंसिपल आइडियोलॉजी को लेके चलते रहेगा तो हमारा डेवलपमेंट तो पीछे जाते रहेगा तो वही सबसे मेरा दिल का बात मेरा सोच के हिसाब से तो
दिनेल साहब भी शायद वो पॉजिटिवली सोचेगा और अपना कंटेंसी को डेवलपमेंट के लिए जरूर वो भी सोचेगा. With the joining of Durong, the BJP have occupied 27 out of 28 seats in the NCHAC. In 2019 election for the 12th NCHAC, BJP won 19 seats while Congress won 2 seats. Independent candidates won 6 while one AGP managed to open its account. Later, all the independent candidates and AGP joined the Saffron Party. Now, the NCHAC remains with only one member in opposition, Daniel Langthasa. Langthasa won the 2019 council poll with Congress ticket from most populous Halfong constituency. देखिए जो गरम पानी का जो बीजेपी का मंडल का टीम उन लोग ने मेरे लिए डिस्कस किया था. उन लोग का यूथ है, महिला लोग है, पूरा मंडल टीम है. स्पेशली मेरे पास ये बैठा है बीजेपी का मंडल का प्रेसिडेंट शाम सिंह जी है. तो उन लोग ने बीजेपी का टीम में भी इन लोग बात किया था कि दुरोंग को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, वेलकम करेगा कि नहीं बीजेपी में एंट्री करने के लिए. तो खास करके उन लोग का टीम में भी हमको कोई नाराज नहीं है, हमको अच्छा मानता है. और दूसरा बात हो गया, ये मेरा पूरा एरिया जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, पब्लिक लुक भी कि हमको ये फोर्स किया, हमको रिक्वेस्ट भी करा. आज सुबह तक भी फ़ोन किया था कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका जो निर्णय लिया था कि आने वाला दिन में मेरा जैसा लीडरशिप साथ में जो बीजेपी. सूरज बर्मन फ्रॉम हाफलॉन्ग अलोंग विद लिनसन रोंगहांग्स रिपोर्ट फ्रॉम उमरोंसो फॉर कार्बी अनोंग लाइव.